Assalamu alaikum students. Now in this lecture we are going to solve exercise 4.3 question number 1 and 2. This is question number 1. They said express each of the following third in the simplest form. यहाँ हमारे पास कुछ numbers हैं, जैसे आप देख सकते हैं ये question number 1 के first part में है 180. इन questions को solve करने का बहुत ही आसान way है कि आपने simply जो भी आपको number given होगा अंडर रूट या कोई भी रूट आपके पास है तो उसको हमने बना लेने हैं नंबर के फैक्टर्स. अब फैक्टर्स आपने किस तरह से बनाने हैं वो आपको पता है कि हमने सीखा हुआ है कि फैक्टर्स हम किस तरह बनाते हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड या सिंपली फैक्टराइजेशन मेथड से. अब लेकिन इन क्वेश्चन में अब ये कंपल्सरी नहीं है कि आपने जो फैक्टर्स हैं वो प्राइम ही बनाने हैं, तो हम किसी भी नंबर से जो है वो 180 को डिवाइड करके इनको फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. लेकिन अब यहाँ पर 180 को हमने 2 से डिवाइड करवाया, 90 आंसर आया. फिर 90 को जब 2 से डिवाइड करवाया तो 45 आंसर आया. देन 45 जो है 5 से डिवाइड हो रहा था, उसे हमने डिवाइड करवाया, वी गेट 9. देन 3 3 ज़ार 9. तो अब हमारे पास जो ये तमाम नंबर्स हैं साइड के, ये क्या हैं, हमारे 180 के फैक्टर्स हैं. तो सिंपली हमने नेक्स्ट स्टेप में ये करना है कि इन तमाम फैक्टर्स को मल्टीप्लीकेशन के साइन के साथ रेडिकल के अंडर जो राइट करेंगे. अब हमें ये चीज़ पता है कि जो स्केयर रूट है वो स्केयर पावर से कैंसिल होता है. तो हमने यहाँ पर क्या किया, जो नंबर्स स्क्वायर में कन्वर्ट होते थे उनको हमने स्क्वायर में कन्वर्ट कर लिया. जैसे ये 2 जो हैं वो नंबर्स थे, सेम नंबर जब मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर्स को हम ऐड करवाते हैं. ये चीज़ आपने बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स में जो है वो पढ़ी थी इन चैप्टर नंबर 2. तो उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व करेंगे. यहाँ पर इसको स्क्वायर में कन्वर्ट किया, फिर अगले ये 2 जो नंबर्स थे ये भी स्क्वायर में कन्वर्ट हो गए. अब 5 के साथ जो है वो कोई फर्दर 5 नहीं है, तो इसलिए ये हम वैसे ही नीचे ले आएंगे. इनको स्केयर में कन्वर्ट करने का पर्पस यही है कि अब हम इन जो स्केयर्स वाले नंबर्स हैं उनको स्केयर रूट से बाहर ले आएंगे, क्योंकि ये स्केयर जो है स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा. तो 2 एंड 3 बाहर आ गए, 5 अंदर वैसे ही रह गया क्योंकि इसके ऊपर पावर 1 थी. तो 1 पावर स्केयर पावर रूट से कैंसिल नहीं हो सकती. सो अब इन दोनों को जो है मल्टीप्लाई करवाया, 2 3 ज़ार 6 बना और 5 अंडर रूट, ये हमारा आंसर आ गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 3 162 अंडर रूट. अब जो ये 3 है ये मल्टीप्लाई हो रहा है इस रेडिकल के साथ. अक्सर स्टूडेंट्स जो है ये समझते हैं कि 3 इसका इंडेक्स है, ये इंडेक्स नहीं है, ये नंबर है जो इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है. तो 3 हम वैसे ही साथ कंटिन्यू करेंगे और 162 के हम फैक्टर्स बना लेते हैं. तो 162 के फैक्टर्स हमने बनाए, इसको 2 से डिवाइड करवाया, 81 आया. अब जैसे मैंने पहले आपको बताया कि इसमें हमारे पास कंपल्शन नहीं है कि हमने प्राइम फैक्टर्स ही बनाने हैं, तो 81 को जो है वो 9 से डिवाइड करवाया, तो 9 9 ज़ार 81, अगेन 9 1 ज़ार 9. तो ये 3 जो है हमारे फैक्टर्स बन गए, 2 9 एंड 9. अब यहाँ पे भी मेरे पास स्क्वायर रूट था, इसलिए मुझे पता था कि मेरे पास नंबर्स जो है वो स्क्वायर में बनने चाहिए. तो ये 2 नंबर्स हैं, इनकी पावर जो है वो स्क्वायर बन सकती है, तो ये यहाँ पर स्क्वायर पावर बनाई तो अपनी जगह रह गया. अब इसके बाद जो नंबर रूट के अंदर था स्क्वायर के साथ, वो तो स्क्वायर रूट से कैंसिल होके बाहर आ गया, 2 अंडर रूट वैसे ही अंदर रह गया. और ये 3 ऑलरेडी बाहर था और मल्टीप्लिकेशन में था, तो 3 9 ज़ार क्या बना, 27, और 2 अंडर रूट एज इट इज. दिस इज़ योर आंसर. बहुत ही सिंपल से क्वेश्चंस हैं. अब नेक्स्ट चलते हैं पार्ट नंबर 3 की तरफ. 3/4 क्यूब रूट ऑफ 128. पहले आपके पास यहाँ देखें इस जगह पे कोई भी नंबर आपके पास नहीं था, तो डेट मीन्स कि ये स्क्वायर रूट था. अब यहाँ इस जगह पे रेडिकल के साइन से एक छोटा सा नंबर है ये 3, इसका मतलब है कि ये जो है वो स्क्वायर रूट नहीं है, ये अब क्यूब रूट है, ये इसका इंडेक्स होता है. जैसे पावर होती है इसी तरह से रेडिकल्स के इंडेक्स होते हैं. तो अब क्यूब है यहाँ पे, तो इसका मतलब है कि हमने जो अंदर फैक्टर्स बनाने हैं 128 के, वो हमने क्यूब की पावर में कन्वर्ट करने. क्यों? क्योंकि हमने ये देखा है कि जो सेम इंडेक्स है वो सेम पावर के साथ ही कैंसिल होते हैं, इसलिए हमने इसको सिंप्लीफाई करवाने के लिए इसके फैक्टर्स की पावर जो है वो क्यूब में बनानी है. तो 128 के हम पहले फैक्टर्स बना लेते हैं. लुक एट हियर, 128 को जब 2 से डिवाइड करवाया 64 आया, अगेन 64 2 से डिवाइड हुआ, 32 आंसर आया. फिर जब इसको फर्दर हमने सॉल्व करवाया तो ये सारे इसके फैक्टर्स बन गए. अब 1 2 3 4 5 6 एंड 7 टाइम्स जो है वो हमारे पास 2 है. इन सबको आप चाहें तो पहले ही मल्टीप्लीकेशन में भी राइट कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको डायरेक्टली जो है वो पावर की फॉर्म में भी राइट कर सकते हैं. तो हमें पता है कि हमारे पास यहाँ पे क्यूब रूट है, तो हमने इनको 3 3 में कन्वर्ट करना है. ये 3 नंबर्स लिए, ये 3 नंबर्स लिए और ये एक अकेला बच गया. तो इन 3 को हमने
2 raised power 3 एंड 2 में राइट कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप में सिंपली वही रिपीट करेंगे कि जो सेम नंबर और पावर, इंडेक्स और पावर है, वो आपस में कैंसिल होंगे और नंबर रेडिकल से बाहर आ जाएंगे। तो ये दो जो 2 थे ये रेडिकल से बाहर आ गए, लेकिन इस 2 के ऊपर रेडिकल अपनी जगह वैसे ही रहेगा क्योंकि इसकी पावर 1 है और इंडेक्स क्या है 3। सो वैसे ही रह गया। अब 3/4 ऑलरेडी बाहर मल्टीप्लिकेशन में था, तो हम क्या करेंगे, ये 4 से ये दोनों 2 जो हैं, जब 2 2 4 बनेगा तो ये दोनों जो है इससे कैंसिल हो जाएंगे। तो पीछे बचा, तो यहाँ पे हमारे पास बचा 3 और 2 क्यूब रूट इसका आंसर। ये दिस इज योर आंसर। अब पार्ट नंबर 4 है फर्स्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हमारे पास इंडेक्स है 5, यानी कि इसका 5th रूट है। तो 5√96 x^6 y^7 एंड z^8। ये अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, पहले तो 96 के फैक्टर्स बनाएंगे जो बनेंगे 2^5, इनके आप 96 को जब डिवाइड करवाएंगे तो 2 पे ही डिवाइड होगा और 5 टाइम 2 आएगा आपके पास, और उसको हमने पावर फॉर्म में राइट कर दिया है। यहाँ पे 2^5 और 1 आएगा आपके पास इसका फैक्टर 3। ये इसके दो फैक्टर्स हैं ये बने 96 के, इसको आपने इसी तरीके से जो है वो डिवाइड करवा के आप देख सकते हैं इसके यही फैक्टर्स बनेंगे। अब नेक्स्ट है हमारे पास ये पावर्स x^5। अब पावर्स को हमने ब्रेक डाउन करवाना है, तो इनमें भी हमने ये ध्यान रखना है कि एक पावर जो है वो 5 बने और बाकी जितनी बचती है वो हम वैसे ही राइट कर देंगे। और हमने बाय लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स ये चीज़ पढ़ी थी कि पावर्स जो हैं वो जब बेस मल्टीप्लिकेशन में हो तो पावर्स क्या होती हैं, ऐड हो जाती हैं। तो अगर ऐड हो जाती हैं तो हम इनको ब्रेक डाउन भी कर सकते हैं इस तरीके से, x^5 दरमियान में मल्टीप्लिकेशन है और यहाँ पर x^ है 1। तो जब ये दोनों को हम सेम बेस में लिखेंगे तो 5+1 बनेगा 6, तो ये 6 पूरा हो गया। अब इस 7 में से भी हमने क्या करना है, 5 पावर अलग कर लेनी है और बाकी जितने भी बचेंगे वो क्या है, 2 है, वो हमने राइट कर लिया। इस तरह से इस 8 को भी हमने एक 5 पावर सेपरेट करनी है, पीछे बची 3 तो वो हमने राइट कर ली। अब 5 में इनको भी कन्वर्ट करने का पर्पज़ ये है क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5th रूट है, तो 5th रूट से ही 5th पावर कैंसिल होगी। डेट्स वाई हम इसमें से मैक्सिमम जितनी चीज़ें बाहर निकल सकती हैं रूट में से वो हम निकाल बाय कन्वर्टिंग पावर्स इनटू 5। सो अब ये 2 बाहर आएगा यहाँ से, ये x, y और एक z बाहर आ जाएगा, जो ये x की पावर 1 है, यहाँ 2 है और ये 3 है, ये 5th रूट के अंदर ही रह जाएंगे। तो ये हमारा पास आंसर आ गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 की तरह ही है, इसमें भी हमने सिंपलीफाई करना है सर्ट्स को। तो इसमें अब कुछ नंबर्स हैं हमारे पास जो मल्टीप्लिकेशन में हैं और डिवीजन में हैं, ये रेडिकल्स हैं। हमने चैप्टर नंबर 2 में ही प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स पढ़ी थी, तो उसमें हमने देखा था कि अगर आपके पास नंबर्स आ जाएँ मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में और वो रेडिकल हों तो उनको हम सिंगल रूट में भी लिख सकते हैं। देखें यहाँ पे ये 18 अलग रूट में था, 3 अलग रूट में था और 2 अलग रूट में था, तो यहाँ पे हमने क्या किया, इन सबको सिंगल रूट के अंदर राइट कर दिया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल की वजह से। अब यहाँ पे भी काम वही करना है कि जो भी नंबर आएगा उसके हमने बना लेने हैं फैक्टर्स और उनमें से जो आपस में कैंसिल होते हैं उन्हें कैंसिल करके हमने आंसर फाइंड आउट करना है। अब 18 के फैक्टर्स बनाए हैं, 2 × 3 × 3 ये हमारे फैक्टर्स बने। अब यहाँ से ये 3 से ये 3 कैंसिल क्योंकि ये डिवीजन में है, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये बचा 3, तो 3√ हमारा आंसर है। पार्ट नंबर 2 भी सेम इसी तरीके से है, इनको भी हम सिंगल रूट में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद इसको कैंसिल करवा देंगे। 21 × 9 के फैक्टर्स बनाए, 3 × 3 = 9 बना, 63 के फैक्टर्स बनाए 21 × 3। इस 21 को इसलिए फैक्टराइज नहीं करवाया था क्योंकि 63 के फैक्टर्स ये बनने थे, तो यहाँ पे हम डायरेक्टली 21 से 21 कैंसिल करवा सकते हैं और ये 3 से 3 कैंसिल होगा, तो यहाँ पे भी आंसर बचा 3√। इसके जो बाकी के दो क्वेश्चन हैं 4 और 5, क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 4 और 5, वो भी बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 1 में जो आपने क्वेश्चन कर लिए हैं बिल्कुल वैसे ही हैं। तो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 और 4।